हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंबई महानगर पालिका के साथ में मिलकर हमारी लोकल कॉर्पोरेटर निकिता निकम, ज्ञानराज छियम और हमारे जो दूसरे लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर और डीएमसी के साथ मिलकर आज इस सेंटर का एमपी एमएलए कॉर्पोरेटर ने मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया है। यहाँ पे रोज जो 45 प्लस जो लोग हैं जिसका सेकंड डोज वैक्सीनेशन है, जिन्होंने अपना पहला डोज का वैक्सीनेशन ले लिया है, उनको नजमबाग के अंदर वार्ड नंबर 223 के अंदर वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है। तकरीबन 1 बजे सेंटर को चालू किया गया है। अभी तक 100 लोग से ज़्यादा रजिस्टर हो चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर, नर्सेज और बीएमसी का स्टाफ और इस एरिया के सोशल वर्कर मिलकर काम कर रहे हैं। ये सेंटर रोज़ चालू होगा और एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे जैसे टाइम पे पॉलिसी चेंज होती जाएगी आने वाले दिनों में 18 से 44 के बीच में भी लोगों को दिया जाएगा। मगर फिलहाल जो अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो बीएमसी के सेंटर्स है उस पर सेकेंड डोज 45 एंड अबव को दिया जा रहा है। आप देख सकते हो कि बड़ी तादाद में सीनियर सिटीज़न इस इलाके के यहाँ पर आज जमा हुए हैं। वो उनको बहुत दिन से वैक्सीनेशन का डोज मिल नहीं रहा था, आज उनको यहाँ पे डोज मिलने के बाद में उनको बड़ा रिलीफ हो रहा है। जो यंग डॉक्टर की टीम है, वो कॉर्पोरेशन के डॉक्टर, हमारे डॉक्टर मदिया है, डॉक्टर हमजा है, ये यंग डॉक्टर्स है जो पिछले तकरीबन 1 साल से हमारी कॉर्पोरेटर ज्ञानराज निकम हमारे साथ में मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। और आने वाले दिनों में मुझको पूरा भरोसा है कि मुंबई का बेस्ट सेंटर होगा ये। फॉरन एसी हॉल है, यहाँ पर वेटिंग एरिया सफिशेंट है लोगों के लिए, चाय बिस्किट पानी का पूरा इंतज़ाम है, बहुत सुकून से हो जाएगा। और लोगों को वैक्सीनेशन ही कोरोना के सामने एक सुरक्षा है। मेरी अपील है लोगों से, जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लिया है या किसी वजह से शॉर्टेज की वजह से नहीं ले पा रहे थे, वो फ़ौरन इस सेंटर में, और मुंबई देवी में हम टोटल 6 सेंटर ऐसे खोल रहे हैं। एक आरएस निमकर मार्ग में डी वार्ड में खोल चुके हैं, आज सैफी एम्बुलेंस में, उसके बाद में नजमबाग में, माधवबाग में, बद्री हॉल में, ऐसे टोटल इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 सेंटर चालू हो गए। तो जो आपसे नज़दीक में सेंटर है आप वहाँ जाके अपना वैक्सीनेट करवा सकते हैं। नमस्कार सगळ्यांनी, मी सगळ्यांना हेच अपील करते दॅट प्लीज या वैक्सीनेशन सेंटर आपल्या एरियामध्ये बी विभागामध्ये आपण ओपन केलं आहे, त्याचा लाभ घेऊन घ्या आणि आपला पूर्ण परिवार संग या। या ठिकाणी आज नव्याने निजामबाग येथे वैक्सीनेशन सेंटर ओपन करण्यात आलं आहे। त्यात अमीन भाई, लोकल काउन्सिलर निकिता निकम, आमचे डॉक्टर मेहतो, या सगळ्यांचे टीमचं श्रेय सगळ्यांना जात आहे। अर्थातच इकडचं जो स्टाफ आहे त्यांनाही याचं श्रेय देणं गरजेचं आहे। त्यांच्या मेहनतीने, त्यांच्या ह्याच्यानेच वॉर्ड ऑफिसर अले साहेब, महेशकर साहेब, डॉक्टर गायकवाड याचं सगळ्यांचं अभिनंदन की एवढं छानपैकी आणि या ठिकाणी ऑर्गनाईज केलं आहे। आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की सगळ्यांनी येऊन जसे गव्हर्नमेंटचे गाईडलाईन्स असतील त्याप्रमाणे रजिस्ट्रेशन करावं, वयाचं जे काही गाईडलाईन्स असतील गव्हर्नमेंटचे त्याप्रमाणे प्रत्येकाने रजिस्ट्रेशन करून इथे या वैक्सीनेशन सेंटरमध्ये जास्तीत जास्त लोकांनी वैक्सीनेशन घ्यावं आमची अपेक्षा आहे। धन्यवाद। अमीन पटेल सर ने बहुत अच्छा काम किया है, ये हम लोग के लिए इतना सगवट किया है, बहुत अच्छा आराम से हमारा काम हुआ है। आज हम उसको दुआ देते हैं रमज़ान महीने में कि हम आराम से आके वैक्सीनेशन लिया है। ओके सर, सर का बहुत बहुत आभार है हमारे पे।